वेलकम टू नुपुर्स वर्ल्ड। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यम्मी सा चिकन पकौड़े की रेसिपी लाई हूँ, तो समय वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले चिकन पकौड़े के लिए हमें चाहिए चिकन के कुछ पीसेस, मैंने धोकर यहाँ रख लिए हैं, और दही चाहिए होगी हमें एक कटोरी जो मैंने घर पर ही बनाई है, नमक चाहिए हमें स्वाद अनुसार, जिसको जो पसंद हो जिस तरह से नमक खाते हैं, मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ले लिया है। एक नींबू का रस हमने ले लिया है, लगभग 1 टेबलस्पून है यहाँ। 1 टेबलस्पून यहाँ पर कश्मीरी मिर्च लिया है हमने, ये ज्यादा तीखा नहीं होता है, जस्ट कलर के लिए और थोड़ा तीखे के लिए। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मैंने यहाँ पर कच्चा हरी मिर्ची मैंने यहाँ पर पीस लिया है। और ये है तंदूरी चिकन मसाला, इसका भी हमने 1 टेबलस्पून ले लिया है, ये भी 1 टेबलस्पून है। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले एक हम बॉल ले लेते हैं, इस बॉल में हम सब मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम चिकन के पीसेस को यहाँ ले लेते हैं। ये चिकन के पीसेस लगभग 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम के हिसाब से हम यहाँ पर एक कटोरी दही ले लेते हैं, एक मीडियम सा कटोरी है। दही को पहले हम यहाँ पर कोट कर लेंगे, उसके बाद बाकी मसाला हम यहाँ पर मिलाएंगे। हमें ध्यान में रखना होगा, अगर आप घर पर नहीं बना रहे तो खट्टी दही लेंगे, मीठी दही हम यहाँ नहीं लेंगे, तो खट्टी दही चिकन पकौड़े के लिए बेस्ट होता है। ये हमने दही में कोट कर लिया है, अब बारी बारी से बाकी मसाले हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेती हूँ, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची 1 टेबलस्पून तो मैंने यहाँ पर ले लिया है। उसके बाद ये कश्मीरी मिर्च 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है, अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद हो तो आप तीखी मिर्च भी ले सकते हैं, तीखी लाल मिर्च, क्योंकि मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली है तो यहाँ पर मुझे लाल मिर्च की जरूरत नहीं पड़ रही है। कश्मीरी मिर्च देने से यहाँ पर कलर बहुत सुंदर आता है पकोड़े में, ये देखिए। अब ये जो तंदूरी चिकन मसाला है 1 टेबलस्पून हम यहाँ पर मिला देते हैं। जब सारे मसाले कोट हो जाए चिकन पीसेस में, तब हम इसमें नमक मिलाएंगे। और एंड में ये जो दही, ये जो लेमन जूस है 1 टेबलस्पून ये हम मिला लेंगे। ये मैरिनेट हो गया है, इसको हम लगभग कम से कम 2 घंटे तक हम इस तरह से मैरिनेशन करके रख देंगे। उसके बाद ओवरनाइट रखेंगे तो और भी बढ़िया होगा। अब हमेशा फ्रिज में रखिए मैरिनेट, जब भी कोई चीज मैरिनेट करे, मैरिनेशन फ्रिज में बहुत अच्छा होता है, तो मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी 2 घंटे के लिए। उसके बाद इसमें जब फ्राई करेंगे तब हम इसमें एक और चीज मिलाकर फ्राई करेंगे, तो फिलहाल हम इसे ढककर फ्रिज में लेकर रखेंगे। ये 2 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रख लिया था, ये देखिए मैरिनेट करके, ये मैरिनेट हो चुका है। आप अगर ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं और अच्छी बनेगी।
अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर मिला लेंगे। इससे पहले हम कढ़ाई को ये इंडक्शन ऑन कर देते हैं और फ्राई के लिए हम यहाँ रिफाइंड ऑयल ले लेते हैं। अंदाजे से ले रही हूँ मैं, यहाँ पर फ्राई के लिए लगभग 3 टेबलस्पून है। ये मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है। अब इसमें मैं 4 टेबलस्पून डालूंगी। ये 4, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कंसिस्टेंसी देख करके बैटर का आप थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून ले लिया है, अगर मुझे और चाहिए होगा तो मैं और ले लूंगी। मैंने अच्छे से हाथ धो लिए हैं, अब इसको मैं हाथ से ही मिला लूंगी। हमने यहाँ पर पानी यूज नहीं किया है, वो जो मैंने दही दिया था उसी से ये बैटर मिक्सअप हो जाएगा। ज्यादा थिक भी नहीं करना है और ज्यादा पतला भी नहीं करना है इसको। ये देखिए, ये दही के साथ मिक्स हो जा रहा है। ये हमें और ज्यादा देने की जरूरत नहीं, कॉर्नफ्लोर बिल्कुल सही है। ये मेजरमेंट मैंने 4 टेबलस्पून लिया है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ उठाकर, ये इतना ही थिक होना है, इससे ज्यादा थिक नहीं और इससे ज्यादा पतला भी नहीं करना आपको। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है। जब तेल एक बार ही हमारा गर्म हो जाए तो हम उसको चेक करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये तेल पूरी तरह से गर्म हो चुका है, तब हम इसे स्टीम कर लेंगे। नहीं तो क्या होगा कि बाहर का जो बैटर है ये जल जाएगा और अंदर जो चिकन है वो टेंडर नहीं हो पाएगा। तो हमने सिम कर लिया है इसे। मैं एक एक करके हल्का सा कोटिंग करके, कभी हमें मोटा कोटिंग नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा कोटिंग करके हम यहाँ पर छोड़ देंगे। देखिए, ये देखिए, ये हमारा ये देखिए, एक साइड थोड़ा पक गया है, तो हम इस स्टेज में थोड़ा स्टीम को बढ़ा देते हैं। अभी एक साइड हो गया है तो हम उसे पलट लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इस तरह से हम धीमे आंच में पकने के लिए देंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसका कलर बिल्कुल हो गया है, अभी क्रिस्पी भी हो गया। अब हम इसे ऑफ कर देते हैं और इसको उतार लेते हैं। इसका कलर इतना टेम्पटिंग है इस, और यकीन मानिए ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनी है। आप एक बार अपने घर पर बनाइए
अब दोबारा फिर से बनाना चाहेंगे। इसको ग्रीन चटनी के साथ और या फिर रेड डिप के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको ग्रीन चटनी चाहिए, रेसिपी चाहिए, तो मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ये देखिए, ये हमारा चिकन पकौड़ा रेडी हो गया है। आप इसको घर पर बनाइए और खाइए। खाकर मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। और अगर ग्रीन चटनी की भी रेसिपी आपको चाहिए तो ये भी आप कमेंट करके बताइए मुझे, मैं आपके लिए जरूर लाऊंगी। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।